जय श्री हरि। वीडियो में जानेंगे कब है गंगा दशहरा, महत्व पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। हिंदू धर्म में गंगा दशहरा का दिन खास माना गया है। मान्यता है कि इस दिन माँ गंगा की पूजा अर्चना करने, गंगा स्नान करने से जातक को पापों से मुक्ति मिल जाती है। हिंदू धर्म में गंगा दशहरा पर्व का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा का पावन पर्व मनाया जाता है। इस साल यह तिथि 30 मई 2023 को पड़ रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा की पूजा अर्चना करनी चाहिए। मान्यता है कि माँ गंगा की पूजा करने से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं गंगा दशहरा पूजा विधि, महत्व और शुभ मुहूर्त। गंगा दशहरा शुभ मुहूर्त दसवीं तिथि प्रारंभ होगी 29 मई 2023 को 11:49 सुबह और दशमी तिथि समाप्त होगी 30 मई 2023 को 1:07। गंगा दशहरा के दिन हस्त नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है। इस साल गंगा दशहरा के दिन हस्त नक्षत्र के साथ रवि योग और सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और बढ़ रहा है। हस्त नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा 30 मई को सुबह 4:29 पर और हस्त नक्षत्र समाप्त होगा 31 मई को 6 बजे सुबह। गंगा दशहरा के दिन कौन से शुभ मुहूर्त हैं? तो ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 4:03 से 4:43 तक, प्रातः संध्या 4:23 से 5:24 तक। अभिजीत मुहूर्त 11:51 सुबह से लेकर दोपहर 12:46 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:37 से शुरू होगा और 3:32 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त 7:12 से 7:32 शाम में। अमृत काल 11:37 से 1:19। निशिता मुहूर्त 11:58 से लेकर के 12:39 31 मई सुबह तक। रवि योग पूरे दिन रहेगा। गंगा दशहरा की पूजा विधि, इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। जो लोग गंगा स्नान के लिए नहीं जा सकते हैं, घर पर रहकर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल लें और माँ गंगा का ध्यान करते हुए स्नान करें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। इस दिन माँ गंगा का अधिक से अधिक ध्यान करें। इस दिन दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। माँ गंगा की आरती करें। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे लिखें। इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।